नमस्कार बच्चों, आज हम माता का आंचल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, यानी कि मृदंग का मतलब होता है ढोल बजना। तो जहाँ पर लड़के युवा लोग होते हैं वहाँ पर ढोल बजाए जाते हैं, मस्ती की जाती है। और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यानी कि वहाँ पर खर्चा कम करने की बात कही जाती है जहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं। हमारे पिताजी सुबह तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो फिर लेखक कहता है कि सुबह सुबह वो उठ जाते थे, तड़के यानी प्रातःकाल, सुबह सुबह उठ करके सब काम करके पूजा करने बैठ जाते। तो वो कहता है कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि हम उनके साथ साथ रहना शुरू हो गए थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही हमारा रिश्ता था, नाता था। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वो लोग बाहर की बैठक में पिताजी के साथ ही सो जाते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा भी पर बिठा लेते। जब पूजा पाठ करने लगते लेखक के पिताजी तो उन्हें भी साथ में बैठा लेते। फिर हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी लेखक कहते कि उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाया जाए। भभूत क्या होती है? एक राख होती है जो पूजा पाठ में जो हम यूज़ करते हैं अगरबत्ती, उसकी राख को भभूत कहा जाता है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर, यानी थोड़ा हंसकर, थोड़ी गुस्से में, थोड़ी डांट लगा करके वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारा माथा चौड़ा था, यानी लेखक का माथा चौड़ा था और त्रिपुंड यानी ऐसा वाला तिलक, जो चंद्राकार तिलक होता है उसे त्रिपुंड कहते हैं, वो कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी, खूब उनके सुंदर लग दिखाई देती थी। उनके माथे पर जो भभूत थी वो सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। बम्बोला यानी शिव जी भगवान की तरह वो दिखाई देने लग जाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ। यहाँ देखो, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहते थे, यानी कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या कहते थे? भोलानाथ कहा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यहाँ पर उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था, लेकिन ये बड़ा नाम है इसलिए लेखक के पिताजी उन्हें भोलानाथ ही कह दिया करते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी शीशे में मुंह देखा करते थे लेखक। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। यानी कि क्या होता था, जब लेखक के पिताजी उन्हें देख लेते तो लजाकर यानी शर्म आ जाती थी उन्हें, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा करके शीशे को नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यह देख करके लेखक के पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते भी। पूजा के बाद फिर वो राम राम लिखते और उन्होंने एक बही बना रखी थी, यानी एक कॉपी बना रखी थी जिसमें राम का नाम लिखा करते थे और उस पर 1000 बार राम का नाम लिखा जाता था। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, सभी लोग राम का नाम लिखते थे, यानी कि हजार हजार बार राम का नाम लिखना होता था, और हमारा भी लिखा हुआ है। और वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते, यानी जहाँ जिस बुक से वो पाठ करते थे ना, उस पर ही उसको कॉपी को भी बांध दिया करते थे। राम नाम लिखी हुई रामनामा बही बोलते हैं उसे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके और आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। इसलिए जाते थे गंगा जी की ओर, मछलियों को खिलाने के लिए आटे की गोलियां बनाई जाती थी कागज के टुकड़ों से। उस समय भी हम अपने कंधों पर, उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। विराजमान यानी बैठना, अपने पिताजी के कंधों पर बैठ जाया करते थे और गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते जब पिताजी, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे, यानी लेखक हंसता रहता था। और जब वह
मछलियों को चारा देकर के घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठा करके झूला झुलाया करते थे। यानी लेखक को पेड़ पर बिठा करके वो झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी जानबूझकर कमज़ोर हो जाते थे और हमें पछाड़ देते थे, यानी हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते थे। उतान पड़ना का मतलब क्या होता है? पीठ के बल लेटना। और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। लेखक के हाथों को छुड़ाते और उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे। बाएँ का खट्टा चूमा लेकर वह दाहिनी का मीठा चूमा लेने लगते, तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर घड़ा दिया करते थे। यानी बचपन में जो बच्चे खेलते हैं अपने पापा के साथ, वही सब यहाँ पर बताया गया है। तो फिर लेखक को गुस्सा आ जाता। वह झुंझलाकर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोते, यानी नकली रोना रोया करते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाया करते थे। लेखक फिर हंसने लग जाता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने को बैठते। पहले चौके पर खाना खाने के लिए बैठा जाता था, जिसमें नीचे खाना बैठ करके खाते थे। पाटा रख करके प्लास्टिक का या लकड़ी का जो भी होता था, वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान करके खिलाते थे। यानी कि भात क्या होता है यहाँ पर? भात होता है चावल। सान कर खिलाना यानी मिक्स करके खिलाना, मिक्स करके खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खाना खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाना यानी थोड़ा ज़्यादा पेट भर के खा लेते थे। फिर वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आपको खिलाने का ढंग नहीं आता है। माँ कहती है कि अब तो खाना खिलाना नहीं जानते हो, बच्चे को भरमुख कोर खिलाना चाहिए, थोड़ा बड़ा ग्रास खिलाना चाहिए, बड़ा पीस जो खाने का है वो खिलाना चाहिए, माँ कह रही हैं। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर यानी स्थान या अवसर या मौका। तो कहती हैं कि जब बड़े ग्रास खाएगा तो वह दुनिया में अच्छा स्थान उसे मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा, यानी वह सक्सेस होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, कहती हैं कि मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मर्दुए यानी जेंट्स। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। कहती है कि माँ के हाथ से जो खाना खाए तो बच्चे पेट भर के खा लेते हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बना करके यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। बच्चे को खाना खिलाने का तरीका है माँ का कि वह अलग अलग पक्षियों के आकार में कोर बनाती है, नाम लेती है और फिर बच्चों को खिला देती है कि खाओगे नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हमें उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता, लेखक जल्दी से खा जाता था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? उसके बाद हम देखेंगे कि आगे लेखक क्या कहता है अपने बचपन के बारे में। तो यहाँ देखिए बच्चों, फिर वो कहता है कि हम तो चिड़ियों, जो बनावटी चिड़िया थी, सब चट कर जाते थे। फिर बाबूजी कहते थे कि अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। खाना खाने के बाद बाबूजी उन्हें राजा कहते थे। फिर उछलने कूदने लगते और रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। नहीं कपड़े तो पहनते ही नहीं थे। जब मैया अचानक पकड़ लाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल सिर में डाल देती थी। यानी पूरा भर के हथेली में इतना सारा तेल जो था, काफ़ी पूरी हथेली भर के तेल जो थी सिर में उनके डाल दिया जाता था। कड़वा तेल किसे कहते हैं? सरसों के तेल को। तो वो रोने लगते।
इस पर बाबूजी को गुस्सा आ जाता, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। बोतकर यानी पूरा सराबोर कर देती थी, लिपटा देती थी तेल से उन्हें, और फिर हमारी नाभी और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, नाभी में भी काजल लगाती और माथे पर भी, फिर चोटी बना देती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। बच्चों को पहले ऐसे ही तैयार किया जाता था गाँव में। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, और बच्चे नहाते हुए रोते बहुत थे तो फिर लेखक भी अपने बाबूजी की गोद में आ जाते थे, रोते रहते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। जैसे ही बाहर आते तो उनको और बच्चे मिल जाते और उनके साथ सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हमजोली यानी साथ के दोस्त जो थे, बच्चों के दोस्त। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक किया करते। चबूतरे पर एक कोना ही नाटक घर बनता था, यानी कि जो पहले चबूतरा होता था उसमें नाटक मंडली के लिए नाटक घर बना लिया जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बन जाती, स्टेज बना लेते, रंगमंच यानी स्टेज। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ ताना जाता था। सरकंडे क्या होते हैं? तिनके। उनके पिलर्स बनाए जाते और कागज का चंदोआ तान करके, चंदोआ किसे कहते हैं, छोटा सा शामियाना टेंट जो होता है वो बनाया जाता। मिठाई की दुकान लगा दी जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू यानी मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़े से बताशे, सभी मिठाई सजा दी जाती। ठीकरों के बटकरे, ठीकरा क्या होता है, ठीकरा होता है जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसे कहते हैं, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लिए जाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, वही खरीद लेते वही सेल कर देते। बाबूजी भी हम भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, नहीं बाबूजी भी कुछ सामान खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घनुंदा बनाते, यानी कि दुकान को बंद कर देते, फिर घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, यानी कि मिट्टी से दीवारें बनती और तिनकों से छप्पर बनाते। दातून के खंभे बनाते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई यानी माचिस जो होती है, मैच बॉक्स, घड़े के मुंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई बनाते और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा वाली आचमनी यानी जो पूजा करने के लिए बाबूजी काम में लाते थे उससे कड़छी बनाई जाती थी, चम्मच जो होती है उससे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार एक तरह की दावत को कहा जाता है, खाने को कहा जाता है। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनार बैठती थी। जीमनवार बोलते हैं इसको कई अलग भाषा में, यानी कि जब लोग बहुत सारे लोग मिल बैठ कर के खाना खाते हैं उसे जोनार बोला जाता है। जब पंगत बैठ जाती यानी बहुत सारे लोग बैठ जाते तो बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में, यानी जितने लोग बैठे होते पंक्ति के अंत में, जीमने के लिए बैठ जाया करते थे, खाने के लिए बैठ जाया करते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, यानी फिर खाना कब खिलाओगे भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, यानी लेखक कभी बारात का जुलूस निकालता था। कनस्तर का तंबूरा बजता, खाली पीपा जो होता उसका अमौले को खींच करके शहनाई बनाई जाती, आम का उगता हुआ जो पेड़ होता है उसको। टूटी चूहे दानी की पालकी बनती, यानी हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बकरे पर लेखक चढ़ जाता था और बारात जो थी एक कोने से दूसरे कोने के दरवाजे तक जाती। वहां पर काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था, यानी एक मिट्टी का कुछ कटोरा सा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डाल करके, यानी
पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा जो होता है, ओहार यानी ओहला भी इसे बोलते हैं, उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था एक खाट पे, खटोली यानी छोटी वाली खाट। लौटने पर बाबूजी जो जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। बाबूजी दुल्हन को देखने लग जाते तो फिर सब लोग हंस जाते, भाग जाते। एक बच्चा उनमें से दुल्हन भी बन जाता था। मजेदार कहानी है ना बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है? थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, यानी कि सब बच्चे इकट्ठा हो जाते। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर है? इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। फिर मन में आ जाता, भाई खेती करते हैं चलो, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। वह भी बना लेते थे नकली, मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी, यानी मूंछ होता है सन जिसे बोलते हैं, उससे रस्सी बना लेते। एक चुक्कड़ बांध कराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। लड़कों का ही बैल बना लेते थे, गाड़ी बना लेते थे। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को क्या बना लेते? खेत बना लेते। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा, कंकड़ों को बीज बना लेते थे, पत्थर जो होते हैं, और सभी सामान इस तरह से बना लेते थे नकली। बड़ी मेहनत से खेत जोतते बोते जैसा कि बड़े लोग करते हैं। फसल तैयार होते देर ना लगती, भी तुरंत ही फसल बन जाती खेल खेल में, और हाथों हाथ ही उसे काट लिया जाता। काटते समय वो गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? ऊंच नीच में भई क्यारी सो जी सो भई हमारी, ये गाना वो गाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर औसाते। एक कटोरा होता है कसोरा, मिट्टी का बड़ा सा, उसमें सूप बनाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, यानी क्या उपजाया तुमने, कितनी फसल हुई? बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेल खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। एक को फिर हंसी आ जाती, शर्मा करके भाग जाता। कैसी मौज की खेती थी, यानी बहुत अच्छी खुशी वाली खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखा करता था, बटोही यानी गुजरने वाले लोग। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। यानी कि जब कोई दूल्हा दुल्हन को ले जाता था तो फिर लेखक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता था। कहते क्या थे वो? कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारे मेहरी। इसी पर एक बार एक बूढ़ा वर था, यानी बूढ़ा दूल्हा था, और उसने चिढ़ करके उन्हें खदेड़ कर ढेलों से मारा। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, यानी जो मार पिटाई हुई थी ना उसकी। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। बूढ़े को देख करके कह रहे हैं कि ऐसा आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक तरह का आम होता है, वह खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादल से ढक गया। आंधी के बाद हमेशा बारिश आती है, तो ऐसा ही हुआ, मेघ गरजने लगे और बिजलियाँ कड़कने लगी। फिर वो चिल्लाए, एक पैसा की लाई बाजार में चित्राई, बरखा उधरे बुलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और बारिश बरसने लगी, और वो लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सटकर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती हो। यहाँ पर अंठई का मतलब है कुत्ते के शरीर से जो एक कीड़ा चिपका रहता है, पिस्सू भी जिसे बोल देते हैं, जोंक भी बोल देते हैं, कीड़ा सा होता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बारिश जो थी थोड़ी देर बाद रुक गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू उन्होंने देखे और वो लोग डर गए। हम लोगों में बैजू बड़ाई ढीठ था, संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई नहीं देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा।
हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर शुरू कर दिया। ये जो साथ वाला लड़का था ना बैजू, तो उनको चिढ़ाने लग गया मूसन तिवारी को। सब देख करके वो भी चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने उन्हें बेतहाशा खदेड़ दिया, यानी मारने लगा। हम लोग अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। बच्चे घरों में चले गए तो वो स्कूल में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े, यानी कि स्कूल से लोग उन्हें लेने आ गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, यानी साथ वाला बच्चा भाग गया और हम पकड़े गए। फिर भी गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब डांट पिलाई। बाबूजी ने है हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी खूब रोए वो। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए, यानी थोड़ा बहुत उन्होंने प्रार्थना की। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या गाया था उन्होंने? माई पकाई गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना फूल गया। यहाँ पर देखो बच्चों को देखते ही फिर रोना धोना फूल गया और बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों के साथ फिर से खेलने लगे, सुर अलापने लगे, यानी अपना जो खेल खेलना था ऐसे ही मजाक हंसी। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था और वे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, लेकिन उनके हाथ नहीं आई चिड़िया। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ये सब पुराने टाइम के गाने होते थे, ग्रामीण अंचल का यहाँ पर चित्रण किया है लेखक ने। हमसे कुछ दूर बाबू जी और हमारे गाँव के कई आदमी खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और हंसकर कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। बच्चे वो कह रहे हैं कि चिड़िया को तो खेल बना रखा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वो बोले कि लड़कों को और बंदरों को दूसरों की दुख समझ में नहीं आता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। फिर वो एक टीले पर जाते हैं, मिट्टी का बड़ा सा पहाड़ जैसा होता है, और वहाँ पर चूहे के बिलों में पानी फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, और उस बिल में से क्या निकला? सांप निकला। लेखक रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे, यानी बुरे तरीके से भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, यानी कोई उल्टा सीधा, गिरते पड़ते किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागते गए बच्चों। हमारी सारी देह लुहलुहान हो गई, यानी कि उनको पूरा चोट लग गई सब जगह। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, बहुत सारे कांटे जो थे उनके पाँव में लग गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए दौड़ करके। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा होता है बरामदा, जिसे हम कहते हैं। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। सीधा माता के आंचल में गए हैं, जाकर उसी की गोद में शरण ले ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छुप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ के बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में वह पड़ गई, रोने लगी, काफ़ी उन्हें तकलीफ हुई। झटपट हल्दी पीस करके लाई और घावों पर लगाई गई। घर में कोहराम मच गया, यानी भाई चोट लगी है तो कोहराम तो मचना ही था। हम केवल धीमे सुर से सा सा करते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे, यानी छिप जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था डर से, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। वही बहुत डर गए थे लेखक सांप को देख करके, तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती। माँ ने देखा भाई होंठ कांप रहे हैं, चोट ज़्यादा लगी है, तो वह रोने लगी और लाड़ से हमें गले लगा लेती थी।
टिक को बड़े प्यार से गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी आए दौड़ करके, आकर झट में मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। उन्होंने सोचा भी मैं ले लेता हूँ, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, लेकिन अपने माता के आंचल से लेखक बाहर नहीं आया। इस प्रकार से यह कहानी अपनी माता के प्रति जो उनका प्रेम है उसको बता रहे हैं, जबकि ज़्यादा समय पिताजी के साथ लेखक बिताया करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।